देर रात से हो रही बारिश के कारण झंडुत्ता उपमंडल के हीरापुर पंचायत के हीरापुर गांव में देर रात से हो रही बारिश के कारण भूस्खलन हो गया है, जिसमें भारी भरकम डंगा कार तथा स्कूटी पर गिर गया है, जिससे वहां पर खड़ी कार व स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत यह रही है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा है। डंगे गिर जाने के कारण वहां के साथ लगते अन्य घरों में भी खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार हीरापुर गांव में देर रात से हो रही बारिश से सोमवार सुबह करीब 9 बजे बारिश के कारण निजी घर के एक तरफ लगाया गया 14 फीट ऊंचा व 42 फीट लंबा सीमेंट का डंगा अचानक गिर गया। डंगे के गिर जाने से वहां खड़ी वेलनो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक तरफ खड़ी स्कूटी बुरी तरह से मलबे में दब गई। गनीमत यह रही कि रोज खड़ी रहने वाली तीन अन्य कारें इस घटना की चपेट में नहीं आई, क्योंकि उन गाड़ियों को घटना स्थल से थोड़ी देर पहले ही निकाला गया था, नहीं तो काफी नुकसान हो सकता था। इस घटना के बाद प्रशासन ने जेसीबी के माध्यम से कार को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन मलबे में दबी स्कूटी को अभी तक मलबे से बाहर नहीं निकाला जा सका। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से काफी सड़कों पर मलबा व पत्थर गिर गए हैं। हीरापुर गांव में बारिश के कारण गिरे डंगे का मुआयना करने पर पंचायत समिति अध्यक्ष अभिषेक चंदेल, प्रधान प्रताप ठाकुर, पटवारी अनिता व कपिल ने मौके का मुआयना कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। आज दिनांक 19 जुलाई को भारी बारिश के कारण हीरापुर में श्री मानसिंह जी के मकान के साथ लगती हुई सुरक्षा दीवार गिर गई, जिससे कुछ क्षति उनके मकान को भी हुई। मुझे जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, मैंने संबंधित विभागों को सूचित किया, क्योंकि इस घटना में एक कार और एक स्कूटी भी मलबे में दब गए थे। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना सुबह 9 बजे की है। हम सब ने ही मौके पर जाकर श्रीमान सिंह जी को हर संभव मदद का वादा किया। विभाग भी इस क्षति का आकलन कर रहे हैं।